हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, एक बार फिर से एक नई वीडियो। और आज हमारे मित्र हमारे साथ हैं सुयश कुमार जी, और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के लिए। अभी बहुत क्वेरी हमारे लिए आई कि होम लोन कैसे लें, किस तरह से प्रोसेस करें, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, चार्जेस क्या हैं, बहुत तरह की क्वेरी थी। तो उसको लेके हमने थोड़ी सी तैयारी की, और आज हमारे जो एक्सपर्ट है, जो कि लोन और होम लोन किसी भी तरह के लोन के जो हमारे एक्सपर्ट टीम है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि जो हमारे कॉमन जो व्यूअर हैं, अगर वो होम लोन लेने जाते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे होगी, उनको क्या पेपर लगाने हैं, और साथ के साथ सबसे लास्ट में ये बताएंगे कि प्रोसेसिंग फी को कैसे मिनिमाइज करें। वो बहुत ट्रिकी चीज़ होती है जिसको जानना बहुत जरूरी होती है। वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि होम लोन लेने का पर्पस क्या होता है, पर्पस का मतलब किस तरह से कोलेट्रल और क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होम लोन वही जैसा आपने पूछा कि क्या उसका पर्पस होता है। बेसिकली लोगों को ये नहीं पता होता है कि होम लोन आप किस किस पर्पस से ले सकते हैं। इसके दो मेन पर्पस होते हैं। पहला तो घर बनाने के लिए, अगर आप घर को रेनोवेट कर रहे हैं, सपोज आपके पास एक घर है और आप उसको रेनोवेट कर रहे हैं, तो भी आपको होम लोन मिल सकता है। और दूसरा, जैसा कि सबको पता है कि आप अगर नया घर खरीद रहे हैं तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि दो चीजें हैं ये, अगर आप रिनोवेशन कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं, और नया आउटराइट परचेज कर रहे हैं तब ले सकते हैं। दो कंडीशन है। साथ के साथ मुझे ये बताएं, एलिजिबिलिटी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मेरी सैलरी 1,00,000 रुपये है, मुझे कितना लोन मिलेगा। अलग अलग हर के अपने कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन बहुत से कैलकुलेटर भी अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसका क्या थंब रूल क्या है, बेस रूल क्या है? देखिए, मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि क्या बेसिक है, अगर कोई भी एक नॉर्मल आदमी कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि उसको कितना होम लोन मिल सकता है। जैसा आपने पूछा, अगर सपोज किसी की सैलरी 1,00,000 रुपीज है पर मंथ, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप अपनी सैलरी का 50-60% मंथली सैलरी का कर लीजिए, उसे लैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सपोज अगर 1,00,000 आपकी सैलरी है तो आप उसका 50-60% कितना हो गया, 50,000 to 60,000, आप उसे लैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख के लिए आप एलिजिबल है फॉर होम लोन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपका सिविल स्कोर भी बहुत मैटर करता है। हाँ, डेफिनेटली लोन तो। और एक जो नई चीज अभी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट की है, जो हमारे टॉपिक में नहीं था फिर भी उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने अभी सिविल को लेकर कुछ बैंकों ने कहा कि अगर आपकी सिविल अच्छी होगी तो आपको रेट कम होगा, और सिविल बुरी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। एक्चुअली ये भी बीच में न्यूज में आया था, अभी न्यूज की ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये ऐसा आया था कि अगर किसी का स्कोर 750 प्लस स्कोर है तो शायद बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं हमारे, और जो मिनिमम पे करते हैं, उसमें से हमारे एक मित्र भी हमारे सामने खड़े हैं, उनकी एलिजिबिलिटी तो गई। देखिए, अगर सिबिल उनका खराब नहीं है तो फिर एलिजिबिलिटी नहीं गई। नहीं तो, लेकिन अगर मिनिमम पे करते तो सिबिल तो मेरा हिल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है उन्होंने कितना लंबा मिनिमम पेमेंट, यानी कि एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आपका सिबिल खराब होता है तो सारा जो कैलकुलेशन है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ के साथ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ सकता है। खैर, सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का सिबिल खराब है तो आज के टाइम पे जितना एनपीए बढ़ रहा है बैंक्स का, बैंक्स हाथ ही नहीं लगाएगी, बैंक देगी ही नहीं लोन। ऐसे भी इकोनॉमी भी बड़ी बुरी हालात में है, तो उसको भी लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बैंक के साथ है। खैर, अब टेन्योर की अगर हम बात करें तो क्या टेन्योर एक स्टैंडर्ड मानिएगा, और क्या मैक्सिमम लेना चाहिए, मिनिमम लेना चाहिए, बीच का लेना चाहिए, क्या इसको भी लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, मैक्सिमम टेन्योर जो एक होम लोन का होता है वो है 30 इयर्स। 30 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं, बशर्ते आपकी एज खुद की क्या है। सपोज अगर कोई 40 इयर्स ओल्ड आदमी है तो उसे 30 साल के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी बैंक ये मानती है कि मैक्सिमम आप 60 इयर्स तक जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो अगर आप 40 साल के हैं तो मैक्सिमम आपको 20 इयर्स तक के लिए लोन, मतलब आपको 15 साल के लिए मिलेगी। खैर, अब मुझे बताइए कि पेपर क्या क्या चाहिए, पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पेपर सैलरी के लिए अलग होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग। एक जनरल मुझे बताइए, उसमें नहीं जाते हैं, मुझे जनरल बताइए कि क्या क्या बेसिक पेपर दोनों केसेस में चाहिए। बहुत नॉर्मल सा है, KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, आपका बिल्डर बायर अग्रीमेंट यानी सेलर बायर अग्रीमेंट जिसे आप कह सकते हैं, और तीसरा आपका 2 साल का फाइनेंशियल्स। यानी कि आपका रिटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बता दूं जो इन्होंने नहीं बताया, आपके 2 रिटर्न के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, एक टेक्निकल इश्यू है।
अगर आपके जनरली बैंक मान के चलती है कि होता क्या है, हम लोग जनरली देखते क्या है कि लोग हमारे पास आए, सर मुझे लोन लेना है, आज ही 2 साल का रिटर्न फाइल कर दो। सर उसके लिए मैं बता दूं कि बैंक भी ये मान के चलती है कि अगर दो रिटर्न के बीच में 6 महीने से कम का गैप है, जनरली मैं कोई थम रूल नहीं बता रहा हूँ, जनरली बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि जो आपका रिटर्न है ना वो बेसिकली प्लांटेड है और मैनिपुलेटेड है। ठीक है, अब मुझे बताएं रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कहाँ जाना चाहिए, सरकारी बैंक को पकड़ना चाहिए, प्राइवेट बैंक को पकड़ना चाहिए, कहाँ मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मेरे हर महीने मेरे जेब पे असर डालने वाला है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, होम लोन एक ऐसा लोन है जिसमें मोर ओवर सारे बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। गवर्नमेंट बैंक का थोड़ा सा प्रेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 10-15 पैसे का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट बैंक जैसे अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मान लीजिए 8.35 to 8.4 पे होम लोन ऑफर हो, लेकिन मैं इसमें एक बैंक का नाम BOB का लूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, सरकारी बैंक है, बट मुझे लगता है कि BOB का जो रेट है वन ऑफ द बेस्ट रेट, मैं ये नहीं कह सकता कि सबसे बढ़िया है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेट उनके पास है। वो भी वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स। लेकिन जैसे आपने बोला कि बैंक से फर्क नहीं, मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने मेरा खुद भी लोन होम लोन चल रहा है, पहले मेरा किसी प्राइवेट में बैंक का नाम नहीं लूंगा, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है जिससे मेरा लोन चल रहा था, उनसे मेरी जो महीने की EMI थी बहुत बड़ी थी। हुआ क्या कि 2 बार रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट में RBI ने बेस कुछ कम किया, उन लोगों ने कम नहीं किया। तो एक चीज ये भी जान लें कि जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर हैं, जनरली आपको बैंक से जाके कनेक्ट होना पड़ता है, लेकिन सरकारी बैंक में ये फायदा है कि आपको बैंक से कनेक्ट नहीं होना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट आपके बेस रेट को कम कर देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? देखिए मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये सारे क्लाइंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है। जब बेस रेट कम होता है ना, प्राइवेट बैंक्स भी कम करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बैंक्स भी करता है, लेकिन जो वो नए क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं वो नहीं करते हैं। वो कहने का मतलब सपोज अगर बेस रेट, मैं वही कहा कि अगर मेरा एक EMI बड़ा चल रहा है पिछले 5 सालों से और मैं किसी XYZ बैंक का कस्टमर हूँ, लॉयल कस्टमर हूँ, महीने का मैं EMI टाइमली दे रहा हूँ, आप नए जा रहे हैं, आपको मेरे से बेटर रेट दिया जा रहा है, और मेरा जो पुराना एग्जिस्टिंग रेट था उसमें जब तक मैं बैंक को जाकर निगोशिएट ना करूं, बैंक निगोशिएट नहीं करता है, क्या मैं सही हूं या गलत है? आपसे चार्ज भी करेगा, इनफैक्ट वही आपसे चार्ज भी करेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट बैंक में भी होगा, वो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऑफर करेगा इनके, जब वो बेस रेट रिड्यूस होता है। बेस रेट रिड्यूस करने के लिए आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, नेगोशिएट जैसा आपने कहा करना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपका लोन चल रहा है और RBI ने कोई बेस रेट में अनाउंसमेंट किया है, तो ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक के पास जाएं और पता करें कि क्या आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि अगर 0.5 का भी है तो बहुत बड़ा अमाउंट है महीने का। बिल्कुल ठीक है, तो पहली चीज आप जाके बैंक से पता करें और उसको रीनिगोशिएट करें, नहीं हो बैंक स्विच करें। हमने भी वही किया और आपको मैं बताऊं, मेरा जो EMI था प्राइवेट बैंक में लगभग जो EMI था, और जब मैं सरकारी बैंक में गया, आई डोंट नो मैं गलत हूँ या सही हूँ, मेरी EMI में 18,000 रुपये का फर्क आ गया महीने का। अच्छा, सो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो पैसा आपका है, आपको थोड़ा सा पिन लेना पड़ता है, नो डाउट। मैंने जब सरकारी बैंक में गया मुझे बहुत पापड़ बेलने वाले वहां से लोन लेने के लिए, और प्राइवेट बैंक में मुझे कोई पापड़ नहीं बेलना पड़ा, यही डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको पैसा बचाना है तो कहीं ना कहीं आप जरूर R&D करें। खैर अब मुझे बताइए, जो हमने स्टार्टिंग में अपना पॉइंट उठाया था कि जो प्रोसेसिंग फी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो भी आपके एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट पे आता है, प्रोसेसिंग फी को कैसे निगोशिएट करें? प्रोसेसिंग फी देखिए, जो मैक्सिमम सैलरीड केस में लगता है वो 10,000 प्लस GST लगता है, वो 11,000 कुछ रुपए आते हैं। सैलरीड के केस में होता है वो 0.50 प्लस GST ऑफ द लोन अमाउंट, लेकिन ये नेगोशिएबल है। जो मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम बताया, ये नेगोशिएबल है। आप बैंक में जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली स्कीम्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, वो नेगोशिएट हो जाते हैं। अब आप कितने अच्छे नेगोशिएटर है वो डिपेंड करता है उस टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग फी है आप उसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपके जब डिसबर्समेंट लेटर आए उसके पहले आप नेगोशिएट करिए। बैंक जनरली नेगोशिएट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्पेशली उनके साथ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, यानी सिविल अच्छा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक आपको प्रीफर करती है कि आप हमारे क्लाइंट बने, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब यह है कि आप इसका एडवांटेज लें, आप जितना निगोशिएट, और साथ के साथ आप
कुछ बैंक में अगर आप आरएनडी करते हैं, कहीं ना कहीं बैंक में हमेशा स्कीम चलती रहती है। जिस स्कीम में जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग फी माफ होता है, हो ये भी से हो सकता। तो ये थोड़ा सा आरएनडी का मामला है, आपको दो चार बैंक में जाके देखने की जरूरत है। और आज के डेट में जो मार्केट है उसमें बहुत तरह के ऑफर चल रहे हैं, बिल्कुल हर बैंक में चल रहे हैं, प्राइवेट में भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट बैंक से लोन लेते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट आपके पॉकेट पे डालता है। लेकिन वहाँ जो फायदा है, बहुत आसानी से आप घर बैठे, आपको कहीं आना जाना नहीं है और बहुत आसान से बहुत कोऑपरेशन के साथ काम होता है, ये तो बेनिफिट है। इसके अलावा कोई पॉइंट हमारा छूट रहा हो? नहीं, आई थिंक मोर एंड लेस सारा पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी होता है तो डेफिनेटली वो हमें लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपको कोई अभी भी कंफ्यूजन रह गया या कोई पॉइंट हमने कवर नहीं किया, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर लोन लेना है और उसमें भी कोई परेशानी आ रही तो हमारे जो मित्र हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, पर्सनलाइज मदद भी कर सकते हैं, लेकिन केवल दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR के बाहर अभी हमारा पेनिट्रेशन नहीं है कि हम आपकी कोई मदद कर सकें। अगर आप दिल्ली NCR में कोई परेशानी है तो हम आपको वो सर्विस भी दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।